हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं राशन गौड़ जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली के राष्ट्रीय सहारा के, इसके साथ साथ हम मुंबई चलेंगे जहां पर मयूर पारिख वरिष्ठ पत्रकार हैं। मयूर साहब, चर्चा बहुत चल रही है, आज भी शिवसेना का बयान आया है कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। जनाब, मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा, क्या कहे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है और 24 घंटे का अल्टीमेटम है, 24 घंटे का समय है सरकार बनाने को लेकर। उधर सुधीर कहते हैं बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली। देखिए, ये अच्छी खबर क्या होगी ये तो बीजेपी को ही पता, क्योंकि शिवसेना समर्थन नहीं देने वाली है, ये अब तक के रवैये से बिल्कुल साफ हो गया है। एक्चुअली पिछले 24 घंटों के अंदर जो है तीन अनयूजुअल मीटिंग हुई है। पहली मीटिंग जो आपने स्क्रीन पर दिखाई कि नितिन गडकरी जो है वो मिले हैं अहमद पटेल से, दूसरी जो अनयूजुअल मीटिंग हुई है वो है संजय राउत की शरद पवार इनके साथ में, और तीसरी अनयूजुअल मीटिंग हुई है हुसैन दलवाई जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था कि कांग्रेस पार्टी को शिवसेना से बाहर का समर्थन देना चाहिए। उन्होंने सामना में जाके शिवसेना के नेताओं के साथ में मीटिंग की। कुल मिला के इन सारी चीजों को बैक चैनल टॉक्स कहते हैं। ये वो चीजें होती हैं जिसमें हर व्यक्ति अपनी हर बात जो है वो मनवाना चाहता है। यहाँ पे नितिन गडकरी जो है वो मिले हैं अहमद पटेल से, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये बात जानने की कोशिश की होगी कि कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है। हुसैन दलवाई ने जाके शिवसेना से इसलिए मुलाकात की क्योंकि वो भी जानना चाहते होंगे कि आखिर शिवसेना कितनी सीरियस है, और शिवसेना जो है वो शरद पवार के पास जाके इसी बारे में बात करेंगे कि हमें सपोर्ट देने के लिए आप कितने सीरियस हैं या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। कुल मिलाकर ये आखिरी रात है। दरअसल विधान भवन के आंगन के अंदर मंडप सजना शुरू हो चुका है। 9 तारीख को मियाद खत्म हो रही है मौजूदा निवर्तमान विधायकों की, उनकी जो शपथ विधि, जो नए विधायक चुने गए हैं उनकी शपथ विधि 9 तारीख तक करना बेहद जरूरी है। इसलिए कल सुबह को बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि राज्यपाल से वो मिलेंगे और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते शपथ विधि के तुरंत बाद राज्यपाल जो है उनको 15 दिन का वक्त दे के फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपना समर्थन, अपने पास जो मेजोरिटी है वो फिगर बताने का जो चैलेंज जो है वो पूरा करने की बात कहेंगे। दरअसल शिवसेना जो है वो इस समय जबरदस्त दबाव में है। शिवसेना के सामने दो खतरे हैं। खतरा क्रमांक पहला वो ये है कि यदि ये सरकार नहीं बनी या महाराष्ट्र में अस्थिरता आई तो शरद पवार ने और कांग्रेस पार्टी ने पहले क्लियर कर रखा है कि सत्ता स्थापन की जिम्मेदारी बीजेपी और शिवसेना की आती है, कांग्रेस एनसीपी की नहीं। ऐसे में यदि शिवसेना की वजह से सत्ता नहीं बनती है तो लोगों के बीच में मैसेज एट अ लार्ज ये चला जाएगा कि शिवसेना जो है वो राज्य में स्थिरता नहीं चाहती। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिवसेना के भीतर जो असंतोष बढ़ते जा रहा है उसको उद्धव ठाकरे कैसे हैंडल करेंगे। तो आज की रात सबसे अहम रात होगी क्योंकि कल सुबह 11 बजे जब शिवसेना के तमाम विधायकों की बैठक होगी उसी में ये बात साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में स्थिर सत्ता बनेगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा। हम चलेंगे मयूर के पास। मयूर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं यहां पर कि रोशन ने जिक्र किया राजनीतिक भूल, इसी तरह की राजनीतिक भूल कुछ भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी जम्मू कश्मीर में, वहां पर मिलकर सरकार बनाई, गठबंधन चला नहीं, उसके बाद सरकार गिर गई, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। आप देख रहे हैं फिर से बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत कर आई और उससे ज्यादा सीटों पर जीत कर आई। तो सबसे बड़ा सवाल है कि शिवसेना की ओर से बयान आते कि एक तरफ हम चैन से नहीं बैठेंगे, मुख्यमंत्री हमारा अपना चाहिए, बीजेपी के नेता कल राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, इसमें एक खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं जा रहे हैं, जो जिन जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो सुधीर और चंद्रकांत पाटिल का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जाएंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। यानी कि संकेतों में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अंतिम समय में, और क्या शिवसेना की ओर से ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो शिवसेना एक कड़ा संदेश बीजेपी को दे सकती है। देखिए, अब जो कुछ भी तय होना है वो मेरी जानकारी के अनुसार फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही तय होना है। ये असमंजस की जो परिस्थिति है ये आगे भी बनी रहने वाली है। आज की रात तो अहम है ही, लेकिन कल फॉर्मली शिवसैनिक जो है वो एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि हम बीजेपी से नाराज हैं और हम कोई भी फैसला करने का सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे इनको दे देते हैं। तो गेंद जो है वो सीधे उद्धव ठाकरे के पाले में आके पड़ जाएगी, मामला वहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, पिछला चुनाव भी आप देखिए 2014 में
फ्लोर ऑफ द हाउस तक जब तक मामला नहीं गया था तब तक ये बात तय नहीं हो पाई थी कि बीजेपी की मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनेगी या नहीं। एनसीपी ने एब्सटेन किया जिसकी वजह से संख्या बल हाउस का कम हो गया और संख्या बल कम होने की वजह से बीजेपी 122 सीट्स पे अपनी मेजोरिटी लेके गई। उसके बाद कई दिनों तक शिवसेना जो है वो न सत्ता के साथ रही न विपक्ष में रही और उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि न घर का न घाट का, और ऐसी परिस्थिति में शिवसेना के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, अंत में सरकार के साथ जाना पड़ा। अब की बार मामला पूरी तरह से अलग है। अलग अब की बार इसलिए है क्योंकि एनसीपी एब्सटेन नहीं करने वाली है, कांग्रेस पार्टी एब्सटेन नहीं करने वाली है। अगर शिवसेना खुद एब्सटेन कर लेती है तो ही बीजेपी के पास मेजोरिटी है, और अगर शिवसेना सत्ता के समर्थन में हाउस में वोट नहीं करती है तो ये सरकार जो है वो गिर जाती है और उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में शिवसेना को न्योता मिलेगा कि आप जो है अपने गठबंधन के साथ में आइए और सत्ता स्थापन की बात करिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है शरद पवार बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो कतई अपने ऊपर ये दाग अपने दामन पे नहीं लेना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की अस्थिरता के लिए शरद पवार जिम्मेदार हैं। अगर शरद पवार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे विपक्ष का रोल दिया है, मैं विपक्ष में बैठा हूं, बीजेपी और शिवसेना मिलकर सत्ता स्थापन करें, शरद पवार के बारे में एक बात आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए, ये फिल्म का डायलॉग है कि जो मैं बोलता हूं वो मैं नहीं करता और जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं जरूर करता हूं। ये डायलॉग बिल्कुल शरद पवार के ऊपर फिट है। सबसे पहले वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बीजेपी और शिवसेना क्या करती है ये गेम का पूरा सर्कल जो है वो फिनिश होने देंगे, क्योंकि यदि बीजेपी और शिवसेना एक साथ बैठ गई तो शरद पवार का हाथ जो है वो बिल्कुल मिस्टर क्लीन की तरह रहेगा कि मैंने तो पहले ही कहा था विपक्ष का नेता पद मेरा है, ये सरकार के खिलाफ हम आंदोलन खुलकर करेंगे। लेकिन यदि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं खड़ी होती है तो शरद पवार कहेंगे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन न लगे, इसीलिए महाराष्ट्र के हित में अब हम किसी का सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा स्पष्ट मानना है कि शिवसेना जिस तरह से एडमेंट है और जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पूरे मामले में अब तक कोई बयान नहीं दिया है, इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अब की बार का मामला 2014 से अलग है और शिवसेना 99% टस से मस नहीं होने वाली है। मयूर, जिस बात का जिक्र रोशन कर रहे हैं कि आप महत्वपूर्ण विभाग है जिनमें पीडब्ल्यूडी है, राजस्व है, वो देने को तैयार हैं, उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं, 12-13 मंत्री भी बनाने को तैयार हैं, क्या इससे बात बनेगी? बीजेपी को आज शिवसेना की तरफ से आधिकारिक तौर पे जो है एक फॉर्मूला गया हुआ है। वो फॉर्मूला बिल्कुल ये है कि 2.5-2.5 साल का सीएम होगा, जिसमें पहले 2.5 साल का सीएम शिवसेना का होगा, दूसरे 2.5 साल का सीएम बीजेपी का होगा। इसके अलावा जो 42 मंत्री हैं उसमें से 21 मंत्री जो हैं वो शिवसेना के होंगे, जो अहम खाते हैं उन अहम खातों में से 50% जो है वो खाते आपस में बांटे जाएं, और 100 से अधिक महामंडल है वो सारे के सारे महामंडलों में से 50% महामंडल बीजेपी लेके जाए, 50% शिवसेना लेके जाए। शिवसेना की आज ये मांग जो आधिकारिक तौर पर बीजेपी के पास पहुंची है वो ये पहुंची है कि ऊपर से लेके नीचे तक सीधी 50-50% की बात हो। देखिए, मैं इस समय आपको शिवसेना का एंगल और शिवसेना की स्टोरी बताऊंगा। जो रोशन जी बता रहे हैं वो 100% सही है कि यदि शिवसेना बीजेपी के साथ में नहीं जाती है तो उनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक है, और ये पॉलिटिकल मिस्टेक का खामियाजा उनको निश्चित तौर पर उठाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह यह है कि उन्हें मैंडेट मिला है और ज्वाइंट मैंडेट है, और पब्लिक के ज्वाइंट मैंडेट का जब कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो अगले चुनाव में पब्लिक जो है वो उसको रिस्पेक्ट, उस पार्टी को रिस्पेक्ट नहीं करती। लेकिन बीजेपी, लेकिन शिवसेना के भीतर के डेस्परेशन को समझना होगा। शिवसेना के भीतर ये डेस्परेशन है कि उनके परिवार का एक आदमी एमएलए बना है, और जब उनके फैमिली की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है तो उनको दमदार तरीके से ये चीज दिखानी है कि हम वही शिवसेना है बाड़ा साहेब ठाकरे वाली, और हम हमारी जिद पे अड़कर हमारा काम जो है वो सत्ता के पास से छीन कर ले सकते हैं। अब शिवसेना की स्टोरी जो है वो मैं आपको बता देता हूं, जो मीडिया को बताई जा रही है। शिवसेना ने बहुत साफ स्टोरी बताई है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यदि
अमित शाह ने मुझे 50-50% का एश्योरेंस नहीं दिया है, तो अमित शाह खुलकर ये बात बोले कि उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहा है। जब उद्धव ठाकरे का ये बयान आता है तो उसके बाद अमित शाह जो है वो बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। इसका मतलब क्या माना जाए? इसका मतलब ये माना जाए कि शिवसेना को कुछ ना कुछ एश्योरेंस था। साल 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना का अलायंस नहीं हुआ तो अलायंस किस बात पे टूटा था? अलायंस इसी बात पे टूटा था कि शिवसेना यह चाहती थी कि 144 सीट पर वो चुनाव लड़े, 144 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़े और जिसकी सीट ज्यादा हो उसका मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी ने यह बात नहीं मानी थी। तो अब की बार कोई ना कोई एश्योरेंस तो शिवसेना को मिला ही था, इसीलिए शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। और शिवसेना यह मान के बैठी थी भले ही हम कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा एश्योरेंस मिला है जिसकी वजह से हमें आने वाले दिनों में लाभ होगा। और अब चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें यह चीज दिख रही है, महसूस हो रही है कि उन्हें जो प्रॉमिस किया था वो नहीं फुलफिल, वो नहीं हो पाया और इतना लंबा गतिरोध यहां पर चल रहा है। कुल मिलाकर जैसे कि मयूर बता रहे हैं कि 50-50% यानी कि सत्ता में बराबर की भागीदारी, वो मुख्यमंत्री के तौर पर ढाई ढाई साल, वो निगम मंडलों में, वो मंत्रिमंडल में भी 50-50% की भागीदारी है, लेकिन गतिरोध है कि टूटता नहीं। अब क्या, कल शिवसेना की बड़ी बैठक, बीजेपी के नेताओं का राज्यपाल से मिलना, और इसके साथ साथ दोनों बड़े नेता उद्धव ठाकरे और अमित शाह पर सबकी नजर बनी होगी, क्योंकि जो भी कुछ है वो कल है, आज रात क्या कुछ घटता है सब पर निगाह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रोशन का, मयूर का, जिन्होंने हमसे इस मसले पर चर्चा की। फिलहाल एडिटर चॉइस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए सारा समय।